डर्माड्यूस सार जेल इससे हेगड़े हेगड़े फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक आता है वो 100 ml का आता है और इसकी जो कॉस्ट रहती है वह 300 के अराउंड रहती है, जो ज़्यादा भी हो सकती है। यह एक सिंपल पैक है, इसका भी पैक जो कि 100 ml का ही है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वह ड्राई स्किन डिसऑर्डर, जेरोसिस, एक्जिमा, अटोपिक डर्मेटाइटिस में किया जाता है। तो इसे कैसे यूज करना है और कैसे आप कितना दिन इसे लगा सकते हैं, क्या तरह की सावधानियां आपको बरतना चाहिए इसे लगाते समय, और कैसे आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को, तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि डर्माड्यूस सार जेल एक ऑल ग्रुप के टाइप की स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, सबके लिए बना है। और ये स्किन को सॉफ्ट एंड सपल, हाइड्रेट बनाता है और स्किन को जो स्किन का जो टोन रहता है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जो आपकी ड्राईपन रहता है उसे दूर करने में हेल्प करता है, और ये जैसे कि ड्राईपन की वजह से आपको इरिटेशन, ईचिंग या रेडनेस, स्वेलिंग हो रहा था उसे कम करने में मदद करता है। तो ये जो ड्राईपन की समस्या रहती है उसे दूर करने में हेल्प करता है। ये काफ़ी अच्छा है, जैसे हम इसे बाहर निकालें ये बहुत ही अच्छा इसका जो कि महक आ रहा है, इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो फॉर्म है ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, ट्यूबलार में है, देखने में भी कुछ ऑरेंजी टाइप लग रहा है। तो हम बाब इसका यूजेस करके बताएंगे कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आपको सावधानियां बरतना चाहिए जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इसे आप यूज करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। कैसे आपने इसे यूज किया, तो क्या आपको बेनिफिट्स मिला, क्या आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं पहले और इसको अपने स्किन पे लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा आपको इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। नहाते समय आपको अपनी स्किन पे कुछ इस तरह की लेयर लगानी है, पतली लेयर, हल्की, अपने इसे अपने हाथ में यानी पाम में लेना है, यानी कि यहाँ पे लेना है, और इसे कुछ ऐसा जेंटली आपको लगा लेना है। ऐसा लगाने के बाद और आपको एक 30 सेकेंड तक छोड़ देना है, और उसके बाद आपको पानी के साथ पे इसे वॉश आउट कर लेना है, यानी इसको पानी के साथ आपको बाहर निकाल। तो मोस्टली जब आप नहाते हैं तो आपको पानी जब गिर जाएगा तो पानी ऐसा निकल जाएगा, सर पानी निकल गया है, तो आपको इससे कुछ इस तरह से आपको इसे पोंछना है, यानी आपको ऐसा हल्के हाथों से ऐसा ऐसा पोंछना रहता है, यानी ये मॉइस्चराइजर को आपको स्किन पे रहने देना है, मतलब ऐसा ऐसा आपको हल्के हाथ से पोंछ लेना है, मॉइस्चराइजर आपकी स्किन पे रह जाएगा। और आपको एक चीज़ें नहीं करना है, यानी जब आपको पानी गिर गया है, आपने नहा लिया है, तो साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करें, और पानी ऐसा ऐसा हल्के हाथों से आपको पानी को सुखाना है, रहे कि आपको रफ नहीं करना है, डायरेक्ट खाली पानी को टॉवल के ऊपर रख रख के सुखाना है। इसका जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें यूज करते समय, और जैसे कि इसे लेने और लगाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।